स्टूडेंट्स, मैथ्स में आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कार्ट्स एंड व्हील्स। इससे रिलेटेड बच्चों कुछ टर्म्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ये ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये टर्म्स जो हैं बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे आप जो भी ज्योमेट्री में पढ़ेंगे उसमें काफ़ी यूज़ होंगी, सो आप इनको ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म है लाइन। लाइन वो होती है बच्चों जिसका कोई एंड नहीं होता, कोई एंड नहीं होता। जैसे ये देखिए, ये है एक लाइन, आप देख रहे हैं ये इस साइड जा रहा है, ये यहाँ इस साइड एक्सटेंड हो रही है और ये लाइन इस साइड एक्सटेंड हो रही है, ये इन्फिनिटी तक जाती है। हमें इसको पता ही नहीं होता हमें बिल्कुल भी कि इसकी लेंथ क्या होती है या क्या हो सकती है या हम इसको कैसे मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि लाइन जो होती है उसका कोई एंड नहीं होता, ये इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। सेकंड है हमारी रे। रे क्या होती है? रे होती है अब हमारी, देखिए, फिक्स्ड पॉइंट ऑन वन साइड एंड नो एंड ऑन द अदर साइड। यानी कि रे वो होती है जिसकी एक साइड तो फिक्स होती है पर जो दूसरी साइड होती है वो फिक्स नहीं होती। देखिए कैसे, ये है हमारी रे, इसका जो ये साइड है ना ये फिक्स है, ये साइड फिक्स है बट ये साइड फिक्स नहीं है, ये इस साइड एक्सटेंड होती जा रही है, होती जा रही है। कहाँ तक जाएगी ये लाइन ये हमें नहीं पता, ठीक है। इसकी डायरेक्शन बच्चों कोई सी भी हो, कुछ भी हो सकती है इसकी डायरेक्शन। जैसे फ़िलहाल तो इसकी डायरेक्शन ये है बट इसकी डायरेक्शन ये भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है या ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। इसका ये फिक्स पॉइंट है और जहाँ ये एरो का इस तरीके से निशान होता है ना, ये आगे को एक्सटेंड होने का निशान होता है, यानी कि आगे एक्सटेंड हो रही है ये लाइन, ठीक है। इसी तरीके से जब इस साइड इसका जो ये एरो का निशान है ये इसको बताता है कि जो ये लाइन है ये इस तरफ एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। तो जो रे होती है उसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है बट दूसरा पॉइंट उसका फिक्स नहीं होता। अब अगर हम इसको नाम दें ए और बी, ठीक है, ए और बी नाम दें, तो हम इसको लिखेंगे रे ए बी और हम इस तरीके से ऊपर साइन लगाएंगे, हमेशा इस तरीके से लगाएंगे, क्योंकि ये यहाँ से इस तरफ जा रही है, ए से बी की तरफ एक्सटेंड हो रही है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। हम इसको कभी भी बच्चों बी या बी ए ऐसे करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ मैं आपको एक बार लाइन का भी बता देती हूँ। लाइन में देखिए हम कैसे लिखेंगे, जैसे इसके नेम है ये मान लो ए और बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी और इस तरीके से। अब क्योंकि इसके दोनों ही साइड एक्सटेंड हो रही हैं तो अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई दो टर्म और हमारी थर्ड टर्म है लाइन सेगमेंट। अभी लाइन सेगमेंट क्या होता है? फिक्स्ड पॉइंट ऑन बोथ साइड, यानी कि इसकी दोनों साइड फिक्स होती हैं। जैसे कि ये इसकी जो ये दोनों साइड है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों फिक्स है और हम इसको आसानी से मेज़र कर सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ इतनी छोटी भी हो सकती है या इससे बड़ी भी हो सकती है, पर हम इसको आसानी से हम इसको मेज़र कर सकते हैं। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ए बी नाम देते हैं तो हम इसको ए बी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था बच्चों आपका इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अपनी कॉपी में लिखना है और समझकर अपने मन में दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना है इन रेज को, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, ये सब, ठीक है। गुड लक।